ओ जी छोटी भैन है मेरी। भैया क्या नाम है पुत्र तेरा? चुड़ैल। वो चंदा। चंदू पैरी पौना बेटा। खुश रहो बेटा खुश रहो। तेरी खुशियों में आग लगाने एक और खिलाड़ी आ गया है माही। अब आएगा मजा। वैसे तो राय साहब लोगों के सामने चंदा को अपनी तारीफ पसंद है, और मैं क्या करूं जी, मुझसे रुका भी नहीं जाता। अरे भैया। नो चंदा प्लीज ना, आई एम सॉरी, आई हैव टू। मेरे लिए ना हिसाब उल्टा है, इतनी बुराई है ना इसमें कि किए बिना ना रहा ही नहीं जाता। राय साहब आज के जमाने में जो यंगस्टर्स हैं वो क्लबों में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पर मेरी बहन चंदा ऋषिकेश में क्राफ्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने गई थी। Who does that at her age, है? हाँ जी हाँ जी, औरों की जिंदगी मुश्किल करने का कोर्स ना तो ये माता जी करके ही पैदा हुई है, बस यही रह गया था। That's great. तुम्हारी जैसे लड़कियों को मैं बस बेड तक लाता हूँ, घर तक नहीं। अर्जुन अर्जुन क्या हुआ, सब ठीक है ना? कम जोगी अभी शुरू हो रहा है? मेरा मतलब अभी डोली में तो टाइम है। हाय आशिकी, चलो जी सगाई की रस्म तो हो गई, अब उसको तोड़ने की रस्म पूरी करते हैं। सगाई में लड़का अंगूठी लड़की के पास लेके जाता है, और सगाई को तोड़ने के लिए ये लिफाफा राय साहब के पास ले जाने की विधि शुरू की जाए। हैंड है जी। वहां जाके ना दिल के सारे पाप धुल गए, दुनिया का सोसाइटी का सारा डर चला गया। ऐसा लगा कि दिल को जो चाहिए ना बस वही करना चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। सही कहा पुत्र तुमने। वाह मेरी पहने, आते ही काम पे लग गई। मेरे प्यारे पीपी, चाहे लोग कुछ भी कह ले, आप हमेशा से बड़े वीसी हो। बड़े प्राणों गाल नहीं कटनी हो। अरे मेरे बुद्धू पीपी, पीपी यानी पप्पू प्राजी इज वीसी यानी वेरी कूल। ठीक है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अर्जुन जब तुझसे प्यार करता है तो माही से शादी क्यों कर रहा है? दादाजी के प्रेशर में आके, पर प्यार वो मुझसे ही करता है। सेम ओल्ड घिसी पिटी स्टोरी,
प्यार वर्सेस परिवार, और इस लड़ाई में परिवार जीत गया। वो दादाजी है ना, वो स्टूपिड माँ ही बहुत पसंद है। और पसंद को नापसंद में बदलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। बड़ी रॉकस्टार बनी हुई ना राय साहब की नजरों में, उसकी इज्जत का पंचनामा तो मैं ही करूंगा। पीपी, इतने से बात नहीं बनेगी। आई नो, इस रिश्ते का टूटना एक अधूरा काम है, और ये अधूरा काम तब पूरा होगा जब ये टूटा हुआ रिश्ता तुझसे जुड़ेगा। अर्जुन की शादी तुझसे होगी और वो तेरे हमारे कंट्रोल में आएगा। पर कैसे? तू टेंशन ना ले, तेरी ऐसी एंट्री करवाऊंगा कि राय साहब खुद अपने घुटनों के बल चल के तेरा रिश्ता मांगने आएंगे। पक्का ना पीपी? पप्पू की साजिशें ऐसा जोड़ जोड़े हैं, बड़े से बड़ा ना तोड़ पाए, लेकिन सगाई पे ही हमें ये कांड करना होगा। चल भी। चलो जी, ये लिफाफा राय साहब तक पहुंचाते हैं। पप्पू जी, इधर आइए। और नहीं तो क्या जी, आज के बाद ना आप दोनों को ही एक दूसरे को खिलाना है। क्यों पप्पू जी? हाँ जीजू, वरना आपको खाना हजम नहीं होगा। चलो जल्दी जल्दी खिला दो। चलो जीजा जी, खिला दो। चंदा क्या कर रही है तू? इमोशन में आके प्लान फ्लॉप ना कर दियो यार। बस चेक कर रही थी। आए स्यापा, हैं? चेक कर रही थी। फ्रेश मिठाई लाए 750 रुपए किलो वाली, और तू बस चेक कर रही थी। आंटी, बट मैं तो बस इतना चेक कर रही थी कि इसमें खोया है या नहीं। ओ जी, खोए की मिठाई में खोया तो होगा ही ना? ओह माय गॉड, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अर्जुन, आई मीन योर फियांसे इज एलर्जिक टू खोया।
ऑन, तुम्हारी शादी होने वाली है तो इतना तो पता करना चाहिए था ना इनके बारे में. कोई ना, धीरे धीरे सब पता चल जाना है ना माई. लेकिन तुम्हें कैसे पता ये बात? बता दूं? क्या? अरे मुझे तो क्या, पूरे पंजाब को पता होगा कि आपका फियांसे इस एलर्जिक टू खोया. आई मीन उसका कुछ इंटरव्यू आ रहा था टीवी पे एंड मैंने कोइंसिडेंटली देख लिया एंड बिकॉज सेम शहर का कनेक्शन है तो याद रह गया. सी आई एम योर सेवियर सो कम ऑन. थैंक यू बोलो. क्यों? अरे यार मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी एंगेजमेंट बचाने आई हूँ. आई मीन पहले तुम्हारी रिंग ढूंढी और अब आपके फियांसे को खोए के चक्रव्यूह से बचाया. और पता है इसे क्या कहते हैं? सच्ची वाली दोस्ती. Come on, give me a hug. इसको कहते हैं सच्चे वाला ड्रामा. अटेंशन की भूखी, चुड़ैलों की चाची. मेरा मन तो करता ना इसको इतना मारूं, इतनी चपेड़े मारूं ना कि इसको वो हिस्सा जा दूं. ओ थैंक यू पुत्र, आज तूने मेरे अर्जुन को बीमार होने से बचा लिया. तू जिस घर में जाएगी ना, खुशियां, सेहत और बरकत लेके जाएगी. थैंक यू अंकल. ओ मेरे क्यूट पेंडा जी, टेंशन ना लो, वो घर आपका ही होने वाला है. से एक बार माई का रिश्ता टूट जाए उसी टाइम आपके घर से रिश्ता जोड़ने की तैयारियां शुरू. तू गल सुन, ये बुड्ढा कहां से आ गया बीच में? अब हुन ना मुंडे दा दादा बनन दा ड्रामा खत्म कर ते फिर तो मेरा यार हो जा. हैं चल चलिए चल 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 चल. आप सब बड़े लोगों की रस्में खत्म हो गए हो तो हम छोटे लोग भी कुछ कर लें. आ, सेल्फी लेते सेल्फी सेल्फी. कम ऑन कम, देखो देखो मेनू ना कटी. ओए इम्पोर्टेड कार छोड़ के 1960 के पुराने मॉडल पर फोकस कर रहे हो. मतलब जिसे टोपी पहना के तुम्हारे ड्राइवर सीट पे बैठाना चाहिए तुम उसके साथ बैठने की प्लानिंग कर रहे हो. So smart, you know, Mr. Rai. ये अर्जुन और चंदा के बीच चल क्या रहा है? Just getting lost. ये चंदा के चैप्टर पर फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी शादी माया के साथ तुड़वा कर ही रहेगी. माही की जिंदगी का सवाल है, पता लगाना पड़ेगा कि माजरा क्या है.
यहाँ क्या कर रहा है? मैं वह छोड़, शरबत के लिए बादाम नहीं मिल रहे, कहाँ रखे हैं? आंटी जी वो शरबत का स्टॉल है ना, उसके पीछे पड़े। ओहो, देख लिया मैंने, वहाँ पे नहीं है जोगी। बड़ी जोर से लगी है ना, मार दे, कंट्रोल कर सकता है ना थोड़ा बहुत? ऐसा कर, मेरे को पहले बादाम ढूंढ के दे दे, वैसे ही रिश्तेदार मौका नहीं छोड़ते मेरे को ताने सुनाने का, है नया मौका मिल जाएगा उनको। चल चल मेरे साथ, बादाम ढूंढ के दे पुत्र, दे दे, चल चल आ जा। इंटरव्यू देखने का बड़ा शौक है ना तुझे? ये आंखें ही निकाल दूंगा, कैसे देखेगी इंटरव्यू? बोलने का बड़ा शौक है तुझे, जबान काट दूंगा, कैसे बोलेगी? सीन क्रिएट करने का भी बड़ा शौक है तुझे, टुकड़े टुकड़े करके ऐसी ऐसी जगह फेंकवाऊंगा ना कि कोई इकट्ठा भी नहीं कर पाएगा, कैसे क्लियर करेगी? अच्छा, आज के बाद अगर मेरा नाम लिया ना तो तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। की चल रहा का मतलब क्या है? भाई अपने बहन से मिल रहा है, इतने दिनों बाद मेरी बहन मिली है, इमोशनल हो गया यार। जी माफ करना, गलतफहमी हो गई। ओए जोगी, माही के प्यार में ना तू जबरदस्ती जासूस बन रहा है। अर्जुन बहुत चंगा मुंडा है, तू बेमतलब ही उस पे शक कर रहा है। मैं ना बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिली। मुझे ना आज पहली बार फीलिंग आ रही है कि अर्जुन ना बड़ा ही अच्छा लड़का है। सबका इतना ख्याल रख रहा है, तेरा ख्याल कौन रखेगा? जोगी, जब से रिश्ता पक्का हुआ है ना, मेरे घर वालों ने इतना काम नहीं किया जितना तूने कर लिया। ऐसी दोस्ती तो ना मैं भी नहीं निभा पाती। शुक्र है जो वक्त पे मैं आ गया, वरना अर्जुन के साथ अगर तुझे किसी और ने देख लिया होता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। अब मुझे तो शुरू से एंड तक पता क्या हुआ था। तूने तो कहा था अर्जुन तुझसे प्यार करता है, पर वो खोतिया तो तेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। पीपी, तो हुआ ऐसा कि हम तुम फोन करेंगे ना, वो शादी के बाद के बोरिंग काम हम वो
बोरिंग बहन जी को दे देंगे। वो दादाजी का ख्याल रखना, घर के काम करना वगैरह वगैरह। ओके बेबी। और मैंने जब उसे डराकर शादी तोड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे यहाँ पर चाकू मार दिया। टेडी बेयर के पोते की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन से ऐसी बात करे? अरे होगा किसी मिनिस्टर का पोता, पप्पू भी इस मोहल्ले का बादशाह है। अभी इनकी अकड़ निकालता हूँ। अच्छा चंदा, सुनो ना, देखिए आप ही कहते हैं ना कि कोई भी लड़ाई लड़ने से नहीं साजिशों से जीती जाती है। तो लड़ाई नहीं पीपी, साजिश करो, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। राय साहब हमसे ना हर लिहाज में काफी ज्यादा बड़े हैं। Be it power, money, status, everything. यही सब देख के तो मैंने भी इतना बड़ा हाथ मारा था, लेकिन एनीवे, एक विलेन वाला नहीं एक वैम्प वाला दिमाग यूज कर कुछ ऐसा सोचो प्रीति कि उस माही के साथ अर्जुन का रिश्ता ना टूट जाए। और अर्जुन के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाए। तो बताइए है कोई ऐसा तोड़ आपके पास? एक है। क्या? जो भी आमिर साहब, देख चंदा देख, इनकी रोमांटिक फिल्म। ये जोगी माही से एक तरफा प्यार करता है और ये एक तरफा प्यार ही माही की इज्जत को चौतरफा उतरवाएगा।